यह वही काल है, वही समय जब योग माया ने आकाशवाणी की थी। वो अवश्य यही कही होंगी। प्रकाश पुंज, आकाशवाणी के बाद योग माया प्रकाश पुंज में परिवर्तित हो गई थी। अवश्य ये वही प्रकाश पुंज है। अब मुझे यही पता लगाना होगा कि यह प्रकाश पुंज कहां स्थापित होता है। अच्छा, तो ये वही पर्वत है जहां मथुरा से अदृश्य होने के बाद तुम आई थी योग माया। योग माया कहां चली गई? योग माया, तुम कहीं पर भी चली जाओ, लेकिन कागासुर की दृष्टि से बच नहीं सकती। तुम तीनों कालों में कहीं पर भी जाकर छुप जाओ, कागासुर तुम्हें खोज ही निकालेगा। योग माया, भैया, जब हम यही रहकर कंस के संकटों को दूर कर सकते हैं, तो हमें यहाँ से दूर जाने की क्या आवश्यकता है भैया? ये योग माया अवश्य इसी पर्वत पर कहीं है। मुझे केवल ध्यान से उसको देखना होगा। ये दिव्य प्रकाश कैसा है? प्रणाम। आपने जो कार्य मुझे दिया था, मैंने उसे पूर्ण कर दिया। देवी योग माया, आपने अपने निवास स्थल खत्री पर्वत से जाकर ना केवल एक पुत्री के रूप में जन्म लिया, अपितु मेरे अवतार की रक्षा भी की। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। भगवान, मैं तो सदा ही ब्रजवासियों की कुलदेवी हूं। ब्रजमंडल की रक्षा करना, उनका उत्थान करना, ये मेरा परम धर्म है।